आज बाद नमाज जुमा रजा जामे मस्जिद अहमद रजा कॉलोनी गुलबरगा में अलहाज सैयद जफर हुसैन साहब कायद जनता दल सेकुलर की जानिब से कोरोना वायरस से महफूज रहने और कुव्वत मदाफियत बढ़ाने वाली होम्योपैथिक गोलियां मुफ्त तकसीम करने का कैंप मुनक्किद हुआ। डॉक्टर सैयद रहमतुल्ला मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी सज्जाद नशीन दरगाह अमीनुल्ला शाह कादरी ने सदारत की। अली मुद्दीन इनामदार सदर यूथ जनता दल सेकुलर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिराज अहमद कादरी ने बहसनखूबी कार्रवाई चलाते हुए अहलियान मोहल्ला की जानिब से अलहाज सैयद जफर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया। 100 गोली है इसके अंदर, 100 गोली बोले तो 4 फैमिली पे चलता है, 4 एक घर में, 4 घर भी रहे तो 1 दिन 2 गोली खाना है, 2 गोली 3 दिन खाना है, 2 गोली 3 दिन खाना है, 6 गोली एक आदमी को जाते हैं, तो 100 गोली बोलो 4 फैमिली। जब तक ये कोरोना है जब तक ये खाना ज़रूरी है, कोरोना का तो वर्ल्ड में इलाज नहीं है, वर्ल्ड में दुनिया में नहीं है, तो आज पूरी दुनिया परेशान है ये कोरोना की वजह से। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सब लोग आप हम सब मिल के दुआ करेंगे जड़ से ख़त्म होने के लिए। जब तक हम ये कोरोना से कैसा बचना है, वायरस से कैसा बचना है, ये दवा हमारे पास अल्लाह के फजल करम से जो डॉक्टर मलक रेड्डी होम्योपैथिक वाले कॉलेज वाले जो तकसीम कर रहे, बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 गोली ले के चूसना खा ली, चूसने के बाद आधे घंटे के बाद पानी चाय क्या भी पी सकते। ये 3 दिन कॉफ़ी नहीं पीना और कच्ची प्याज नहीं खाना, एक गोली जब तक 3 दिन इस्तेमाल करते, कॉफ़ी और कच्ची प्याज, बाकी का खा सकते आपको ये नहीं है। और ये 2 साल के ऊपर के बच्चे से भी आप दे सकते, ऐसा कुछ भी ये नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। बीपी रंधे, शुगर रंधे या हार्ट रंधे किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसको। ये आप 2 गोली इंशाल्लाह 3 दिन खाओ, 3 दिन खाने के बाद सुबह नहार पेट आप जैसा भी सुबह उठने के बाद नहार पेट खा के उसके बाद खाना आधे घंटे के बाद खा सकते हो। नहीं शाम में नहीं, खाली सुबह में। आज उमे जुमा मस्जिद रजा जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज जुमा यहाँ नमाजियों के साथ साथ अहलान महल्ला को हमारे गुलबर्ग के हरदी अजीज लीडर धंधर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सफर साहब ने यहीं पे नहीं कई दिनों से यहाँ की खिदमत करते आ रहे हैं, घर की खिदमत में लगे हुए हैं। वैसे हर वक्त हर टाइम पे किसी ना किसी बुनियाद पर वो ये ऐसे कदम उठाते रहते हैं, लेकिन आज कोरोना से हर कोई परेशान है। इस बेसिक पे इन्होंने एक टैबलेट लाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके हाथ में शफा दें, जिस किसी से भी हाथ दें, जिस किसी के भी हाथ दें अल्लाह ताला उनके मर्ज को ख़त्म करें। मेरी ऐरान मल्ला वालों की जानिब से मैं जफर भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और यहाँ उनकी जफर साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह जजाए खैर दे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर समझाया लोगों को कि गोलियाँ कैसे इस्तेमाल करना और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई डरने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं इस महल्ले का मुद्दती होने के नाते उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जमजम कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में हमने तमाम वार्ड नंबर 2 के जिम्मेदारान और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट अलीम इनामदार साहब, सदाब मलिक, मुन्नू अब्दुल गफ्फार, शफी पटेल साहब, ये पिछले 5 महीने से ये दवा तकसीम हम कर रहे हैं। इसका मतलब जो कोरोना वायरस जो आज दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, वर्ल्ड में इलाज नहीं है, तो इसके लिए हम HKE के भीमा शंकर बिलगुंदी साहब से मुबारकबाद शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके HKE में डॉक्टर मलक रेड्डी मेडिकल कॉलेज होम्योपैथिक वो लोग अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अब तक 2.5 से 3 लाख लोगों को ये किट दिए हैं। वो देखते हुए हमने जाके उनसे मुलाकात करके कि आज गुलबर्गा में सिटी में गुलबर्गा साउथ हो नॉर्थ हो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, उसके लिए अगर आप
हमारे को भी अगर ये चांस देंगे तो हम इंशाल्लाह एरे एरे में रखेंगे बोल के हम उनसे गुजारिश करें। उन्होंने वेलकम जफर साहब, बहुत अच्छी बात है, ये करना बहुत जरूरी है, हम तो कर रहे हैं, आप बहुत जरूरी है कर रहे हैं, हम कभी भी बुलाओ आप, हम आते हैं बोल के। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसाद राव, डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, ये दोनों ने आश्वासन दे के हमको तकरीबन अब तक गुलबर्गा में हमारे अलीम साहब के एरे में वार्ड नंबर 29 में भी ये किए हैं, और वार्ड नंबर 5 में भी किए हैं, और खमर कॉलोनी में भी किए हैं, 24 नंबर में भी किए हैं, और अभी जो रजा मुस्तफ़ा जो रिंग रोड पे वार्ड नंबर 13 वहाँ भी अभी तकसीम करके आए हैं। ये दवा का मकसद एक है कि ये कोरोना की तो दवा नहीं है, मगर कोरोना से बचने की दवा है। ये कैसा बचना है तो ये जो दवा है ये एक किट में 100 गोली है। इस 100 गोली में एक आदमी नारपेट सुबह 2 गोली लेना है 3 दिन। ये 3 दिन अगर गोली अगर 3 दिन लेंगे तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर का कहना है कि 40 दिन तक इसको ये बॉडी को ह्यूमिनिटी बढ़ाता है, ह्यूमिनिटी का मतलब कुवत बढ़ाता है। इसके लिए ये कोरोना वायरस कौन सा वायरस आपके बॉडी को अफेक्ट नहीं होता, तो हमने 40 दिन की जगह 1 महीने में और 3 दिन खाना बोल के हम 10 दिन पहले ही इसको ये करेंगे बोल के हम तमाम लोगों से हम गुजारिश करके ये बोल रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए और कौन सा वायरस के लिए बचने के लिए ये 3 दिन खाना है 2-2 गोली। 2 गोली नारपेट खाने के बाद 3 दिन उसको आधे घंटे तक ये 2 गोली लेके चूसना है खाली, ऐसा पानी पीने से कुछ ये नहीं करना है। 2 गोली इसमें से निकाले चूस लेने का, 1 मिनट में गोली ये हो जाती। 3 दिन लेना है, ये लेने के बाद आधे घंटे के बाद आप पानी चाय पी सकते। इसको काफी और कच्ची प्यास ये 2 चीज नहीं खाना है 3 दिन। ये 3 दिन यूज करने के बाद, ये 3 दिन यूज करेंगे उसके बाद 1 महीने के बाद और 3 दिन। क्यों ये हालात कोरोना का जो हालात है ये कब जाता है अल्लाह को, अल्लाह को मालूम है। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो काम है जब तक ये कोरोना वायरस है जब तक ये खाना जरूरी है। क्यों आप लोग सब 5 टाइम की नमाज में दुआ करिए इंशाल्लाह, ये दुआ से अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस जड़ से खत्म करने के लिए आप हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ये जब तक हमको यूज करना है ये 5-6 महीने साल भी लगेगा, अब अल्लाह के ऊपर है जब तक है आप यूज करके इसको आप कोरोना से बच सकते हैं। और एक बात, अभी जो चल रहा है आज जो गुलबर्गा में पूरे हॉस्पिटल फुल हैं, तो हमने परसों डीसी साहब से भी बात किए तो आज उन्होंने डायरेक्शन दिए कि बसेश्वर हॉस्पिटल के लिए भी उन्होंने कोविड के लिए उन वो कर दिए हैं, और धन्वंतरी हॉस्पिटल ये 2 हॉस्पिटल नए उन्होंने ये कोविड के लिए जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके लिए बेड के कमी रहने की वजह से इधर भी एडजस्ट करके आज उन्होंने आज इसमें व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे उनका डायरेक्शन आया है ये लोग यहाँ भी एडमिट हो सकते हैं। और एक खास करके मैं हमारे गुलबर्गे के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आज जो चल रहा है आज मेडिकल जो मेडिकल है मेडिकल वाले जो भी है अगर हम कुछ भी अगर गोली लेने जाना हो सर्दी जुकाम बुखार की उन्होंने मोबाइल नंबर दे वो दो बोल के उन्होंने कर रहे हैं, ये भी हम डीसी साहब से बात किए हैं, वैसा कुछ भी नहीं है आप जाके ले सकते हैं। वैसा कुछ भी अगर मेडिकल वाले अगर कुछ हरेसमेंट करे तो हमको फोन करके बताइए, हम इमीडिएट हमारी टीम है अलीम साहब है सदाब मलिक है पूरी हमारी टीम है वहाँ जाके जो भी आपका मसला हल करेंगे। ये जो भी है आप डरिए मत, आप अपने घर में रहिए, जरूरत है तो जब बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ये कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है वर्ल्ड अभी तक परेशान है वर्ल्ड।